इंदौर पुलिस ने ड्रग पेडलर्स के खिलाफ विशेष अभियान ऑपरेशन ईगल क्लू शुरू किया है। अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए खजराना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर 17 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। खजराना थाना पुलिस ने ऑपरेशन ईगल क्लू के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 17 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे से सौदागरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी है। ऑपरेशन ईगल क्लू के तहत थाना खजराना में 17 लोगों को ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें से उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। हाँ, ये सभी पीते हुए पकड़े गए हैं। अब इनसे हम जो आगे के हैं इसमें लिंक जोड़ रहे हैं कि किन लोगों से ये खरीद फरोख्त कर रहे थे और किस तरह इसमें अपराध में संलिप्तता है, उसके आधार पर इन पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये खजराना में दरगाह के पास वाले एरिया में, इसके अलावा जो महक वाटिका उसके पीछे जो भी संभावित स्थान थे जहाँ पर हमें पुलिस को इनपुट मिलता था कि यहाँ पर सर नशे का व्यापार या इस तरह की अवैध गतिविधियाँ जारी है, वहाँ पर इन लोगों पर एक साथ रेड दी गई और पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। तो नशे को बढ़ावा देने के लिए पेडलरों की किस प्रकार की भूमिका है? ये लोग एक्चुअली गलत गतिविधियों में स्लम एरियाज में रहते हैं और इसी में ये लोग संलिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण ये कार्रवाई गतिविधियों में संलिप्त है। हाँ, इसमें स्वयं कई युवा खुद हैं जो ड्रग पेडलर्स की इसमें भूमिका में है, तो जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, उन्हें समझाइश भी दी जा रही है कि अगली बार से इस तरह की गतिविधियों में संलिप्तता ना रहे। हाँ, यदि इस तरह की होती है गतिविधियाँ तो हम उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हाँ, कुछ जगह आइडेंटिफाइड किए, कुछ राजस्थान तरफ के क्षेत्र बता रहे हैं, कहीं बाहर के भी इंदौर के कुछ क्षेत्र बता रहे हैं जिनके बारे में अभी विवेचना जारी है। इसमें गांजा है और कुछ एमडी ड्रग्स वगैरह कुछ क्वांटिटी में है, इनके पास से सेवन करते हुए पकड़ा गया है। सेवन करने वालों को भी पकड़ा गया है और इसमें आगे की विवेचना में जिन लोगों के यहाँ से सप्लाई होता था उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इन्हें सख्त हिदायत भी दी जा रही है, इनके परिजनों को भी तलब किया जा रहा है ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।